कुत्ते की वफादारी के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन तुर्की में एक अलग ही मामला देखने को आया है। दरअसल यहाँ अस्पताल में भर्ती मालिक से मुलाकात की तड़प उसे खींचकर अस्पताल तक ले आई। एक समर्पित कुत्ते ने अपने मालिक के इंतजार में कई दिन उस अस्पताल के बाहर गुजारे जहाँ उसके मालकिन का इलाज चल रहा था। जानवर अपनी मालकिन को ले जाने वाली एम्बुलेंस के पीछे पीछे अस्पताल तक जा पहुंचा था। इस दौरान कुत्ता रोजाना अपनी मालकिन की खोज खबर लेने आता। महिला की बेटी ने बताया कि उसे घर वापस ले आई थी, लेकिन पालतू जानवर भागकर बार बार अस्पताल पहुंच जाता। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि कुत्ता रोजाना 9 बजे अस्पताल आता और रात तक मुलाकात के इंतजार में गेट के बाहर बैठा रहता। उन्होंने ये भी कहा है कि कुत्ता अस्पताल के अंदर नहीं जाता था, लेकिन जब दरवाजा खुलता तो अपना सिर अंदर धकेल देता। आखिरकार वो दिन आया जब कुत्ते की मालकिन से मुलाकात कराई गई। महिला को व्हीलचेयर में बिठाकर जानवर से थोड़ी देर के लिए मिलने दिया गया। महिला मरीज ने बताया, उसको मेरे साथ रहने की आदत पड़ गई है और मुझे भी बराबर उसकी कमी खलती है। बाद में महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह महिला मरीज ठीक होने के बाद कुत्ते के साथ वापस घर गई। आपको बता दें कि मालकिन इलाज के लिए अस्पताल में 14 जनवरी को भर्ती हुई थी, लेकिन उनके डिस्चार्ज होने तक कुत्ता पाबंदी से अस्पताल के बाहर मुलाकात के इंतजार में बैठा रहा।